जय श्री ओम नमः श्री देव्या ओम नमः श्री देव्या ओम नमः श्री देव्या नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयुर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोय शब्दशः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्नन्त पर्याये दर्पण तलिव शकला प्रतिफलति मालिका पदार्थ मालिका यत्र पांच पाप की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, उस चर्चा को अपन विस्तार से कर रहे हैं। एक दृष्टांत देके आज की बात शुरू करूंगा। जैनी व्यक्ति कितना भी बेरोजगार हो जाए, उसको रोजगार ना मिले, आजीविका ना हो, कितना ही हो जाए तो भी स्वीपर की नौकरी तो नहीं करेगा। समझ गए दृष्टांत? म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में स्वीपर की पोस्ट होए, भले इसमें 5,000 मिलता होए, ऊपर से थोड़ा कुछ और भी मिलता होए, लेकिन जैनी अपने जैनत्व के स्वाभिमान के बस वो गटर साफ करना, सड़क साफ करने का रोजगार तो नहीं करेगा। ये दृष्टांत दिया। जो स्वीपर का काम करते हैं उनको इज्जत प्रतिष्ठा आवरू उसकी कोई चिंता नहीं होती है, वो तो गटर साफ करते जाते हैं और फिर खा जाते हैं। कुछ ऐसा वैसा भी काम करते जाते हैं और सब कर जाते हैं बस। लेकिन अब दृष्टांत है तो ये दृष्टांत है वो, लेकिन जैनत्व का स्वरूप जानने वाला व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। दृष्टांत में हमने जैनत्व लिया है, ऐसे ही कोई आत्मा को जाने बिना, आत्मा के प्रभुत्व को जाने बिना, अपने ज्ञातापने को जाने बिना, अपने त्रिलोक की प्रभुता को जाने बिना, जान इस पे वजन दे रहे हैं हम। कल हमने कहा छोड़ा था आपको याद होगा, परिणमन रूप हिंसा और अविरमण रूप हिंसा। तो अब ठीक है, हम प्रतिज्ञा कर ले रहे, आज से पांच पाप का त्याग है। सुन भाई, आत्मा को जाने बिना, जैनत्व को जाने बिना, यहां दृष्टांत में जैनत्व के स्वाभिमान के बिना तेरी प्रतिष्ठा नहीं आएगी, स्वच्छंदता नहीं जाएगी। ऐसे ही तुझे अपनी प्रभुता का वेदन हुए बगैर तेरे पांच पाप नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। वो आपको याद होगा पाप की परिभाषा में क्या बोला था, दुख का कारण बुरा कार्य। दुख का कारण बुरा कार्य क्या है? अपनी प्रभुता भूल जाना, अपनी प्रभुता भूल जाना, ये बहुत दुख का कारण है, बुरा कार्य है, बुरा कार्य, बुरा काम है, दुख का कारण है। एक स्त्री ये भूल गई कि मेरा पति कौन है, भूल गई। अब वो हर घर पे जाती है, सुनो दरवाजा खोलो, तो वे पूछती क्यों, क्या काम है, अरे आप मेरे पति हो, चल चल। दूसरे दरवाजे पर जाती, प्लीज खोलो ना, आप मेरे हस्बैंड हो,
कि पागल छे, चल चल बताओ। उसे कोई अपने घर में स्थान नहीं दे रहा, कोई उसे पानी पिला नहीं रहा, कोई उसे घर की तिजोरी की चाबी नहीं दे रहा। वो भिखारिन की तरह भटक रही है, पसीना पसीना हो रही है, दुखी हो रही है। बताओ इन समस्त दुखों का एक कारण बोलो, समस्त दुखों का एक एक कारण बोलो, एक कारण पसीना आ रहा इसलिए, अच्छा भोजन नहीं कर रही इसलिए, अच्छा पानी नहीं मिल रहा इसलिए, ये सब उसका कारण नहीं है। बोलो कारण बोलो, एक अपने पति को भूल गई है। ओहो हो, देखो एक अपने पति को भूलकर सारे जगत में पतिपना खोजे तो कितना दुख पाएगी वो समझ कर, इस दृष्टांत से समझ लो। ऐसे ही एक अपने प्रभुता को भूलकर, एक अपने ज्ञायक स्वभाव को भूलकर, एक अपने अकर्ता स्वभाव को भूलकर, एक अभोक्ता स्वभाव को भूलकर, ए हम तेरे भोक्ता हैं, चल चल भोक्ता है, ए टीवी सुनता हम तेरे भोक्ता हैं, ए लाडू हम तेरे भोक्ता हैं, विश्व को तेरा भोक्तत्व मंजूर नहीं है, विश्व को तेरा कर्तत्व मंजूर नहीं है। क्या कह रहे हो आप बता सकते हो? इतने बड़े विश्व में 6 द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य हैं, एक एक द्रव्य में अनंत गुण हैं, एक एक गुण में अनंत अनंत पर्याय हैं। विश्व में कहीं भी कर्तत्व भोक्तत्व की गुंजाइश नामो निशान नहीं है, कहीं नहीं है। विश्व को तेरा कर्तत्व बुद्धि मंजूर नहीं है, कर्तत्व तो तेरे में है ही नहीं, तेरे में भी नहीं है, आप में भी कर्तत्व नहीं है। ध्यान से सुनना, शाम का टाइम में थोड़ा गरिष्ठ तो हो गई बात, तेरे में भी कर्तत्व नहीं है, 6 द्रव्यों में कर्तत्व नहीं है, किसी गुण में कर्तत्व नहीं है, किसी पर्याय में कर्तत्व नहीं है, और विश्व में कहीं तेरा भोगने योग्य पदार्थ नहीं है और विश्व का तू भोगता नहीं है। आए पॉइंट समझ में आया? कुछ समझ आता बेटे? बहुत बढ़िया, मजा आया, हमें तो आनंद आ जाता है बच्चों को देखकर, बस बहुत सुंदर है, समझ आता है? बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो डरना नहीं, झूठ नहीं बोलना, ऐसे कह देना, ऐसे हाथ कर देना, हम समझ जाएंगे। फिर से समझो, विश्व में कर्तत्व भोक्तत्व नाम की चीज है कहीं? है ही नहीं, तेरे में भी नहीं है, तेरे गुण में नहीं है, तेरे द्रव्य में नहीं है, तेरे पर्याय में नहीं, कोई कर्तत्व भोक्तत्व की गुंजाइश ही नहीं है। बता सकते हो इतने बड़े विश्व में फिर कर्तत्व भोक्तत्व कहां है? कहां है? वस्तुपने तो कहीं है ही नहीं, अखिल विश्व में नहीं है, एक तेरी बुद्धि में बस। जैसे वो स्त्री, उसका दिमाग फिर गया, यानी पति ने भूली गई, पति तो है लेकिन पति को भूल गई। हा हा हा, ऐसे ही तू प्रभु तो है लेकिन अपनी प्रभुता को भूल गया। नियम साझ देने जरा, निकालो जरा गाथा, निकाल के दो। हाँ अभी अभी बताएंगे हम, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे, बहुत सुंदर इनको कलश पढ़ाया मैंने, एक जोरदार बहुत अच्छा कलश पढ़ाया, अभी अभी सबको सुना देते हैं, बहुत रसीला है, बहुत रसीला है। आगे समझ में आए? धुन चढ़ जाती हो, समझ में आया? ए भैया तो ठीक है, आज से हम 5 पाप छोड़ देते हैं। अरे 5 पाप ऐसे नहीं छूटेगा भैया, अज्ञानी का कोई पाप नहीं छूटता और ज्ञानी को कोई पाप नहीं होता। क्या गजब है, अभी पढ़ के सुनाएंगे सब आपको। देखो एक नियम सार जी का एक कलश है, 138 नंबर का कलश है, 138 नियम सार जी, 138 कलश नंबर, कल चलेगा गुरुदेव का, कल सुन लेना, मूल में सुनना आप गुरुदेव को। अहो अहो मारो परमात्मा शाश्वत है, अहो अहो मारो परमात्मा शाश्वत है, तमारू एकदम खुश तो हो जाओ क्या भाषा तो देखो भाई, अहो मारो परमात्मा शाश्वत है, मंदिर नो नहीं, मंदिर नो सिद्धालय नो नहीं, समोसरण नो नहीं,
मारो परमात्मा शाश्वत छे, एक छे, सहज परम चेतन चिंतामणि छे, सदा शुद्ध छे। गलत लिखा गया लगता है को? नहीं, गलत नहीं लिखा गया। इसके बाद तो सही में घर वगैरह मत जाओ, मस्ती मारो। सही में दुनिया को भूल जाओ। क्या बढ़िया, सदा शुद्ध छे अने अनंत निज, अनंत 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 निज, अनंत निज दिव्य ज्ञान दर्शन थी समृद्ध छे। समृद्ध छे कि विपन्न छे? समृद्ध छे कि विपन्न? यदि भगवान सच में इतना परमात्मा होकर के भी हूं तो दुखी छू, रागी हूं, क्या ठीक है भैया, और 10-5 साल की जिंदगी है कटी जैसे। ठीक है भैया, थोड़ा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, और 10-15 दिन की बात है, सुना लो। इसके बाद तो हम क्या कहें, नरक में जाएंगे क्या? परमेश्वर को भूल गए। देखो मैं तो सच कहता हूं, कुछ पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, ये 3 लाइनें बिल्कुल। देखो, निज दिव्य ज्ञान दर्शन थी समृद्ध छे, आम छे, देखो आम छे तो पछी बहु प्रकारना बाय भावोती मने शू फड़ छे। अभी इसमें कोई प्रवचन करने की जरूरत है? प्रवचन करने की जरूरत है? उस पर लिख देना भैया, कल ब्लैक बोर्ड पे इसको, बहुत बढ़िया है। सब लिख लेना भैया, ए लिख नहीं लेना, लख ले जो। लख ले जो, समझ में? नहीं लखवानो नहीं, ओढ़खान करना। अब सही में प्रवचन करते नहीं बन रहा आगे। इतना सुंदर कलश, आगे चलो फिर से। तो पाप पाप कैसे छूटेंगे? अपने परमेश्वर को जाने बिना कभी पाप छूटता नहीं है। पापियों से पाप नहीं छूटता, पाप का एकत करने वाले से पाप नहीं छूटता। थोड़ा दृष्टांत देंगे, दृष्टांत। जो हल्की सोच रखता है ना, हल्की सोच, उसका पाप कभी नहीं छूटता। जैसे एक दृष्टांत देवे, आप लोग ऐसे बोलते ना, जब आप गंदा काम करते हो ना, गंदा काम, तो गंदा काम करने के पहले अंदर में एक थॉट आता है, एक विचार आता है। मालूम कैसा विचार आता है? अरे सब चलता है, अपन कोई वैसे मुमुक्षु थोड़ी है, सोनगढ़ के पक्के चुस्त। रात को चलता है, तो रात को कब चलता है, किसको चलता है रात को? जो पहले ऐसे सोचता है, देख लेना ये बात पक्की है, पहले कोई एक विचार आता है, कोई हम त्यागी थोड़े ही है, कोई हम मुमुक्षु थोड़े ही है, अभी तो मैं कौन हूं, अभी कौन हूं मैं। देख लेना, पहले नंबर मिथ्यात का घड़ा रखता है, पहले नंबर, अभी तो मैं क्या है, नौजवान हो, युवान हो, अभी तो रात में चलता है, अभी कोई अपन त्यागी थोड़े ही है, पंडित थोड़े ही है, ब्रह्मचारी थोड़े ही है, मुनि थोड़े ही है। हमसे पूछो, सच्ची बात है, तू मुनि नहीं है, तू त्यागी नहीं है, तू पंडित नहीं है, और बोल क्या नहीं है, लड़का नहीं है। अरे तू तो क्या गजब है, हम कहते हैं सदा शुद्ध है, सदा ज्ञायक है, सदा प्रभु है, इस बात को तो उड़ा देता है, ऐसे उड़ा देता है। अभी थोड़ी अपन भगवान है, सच में ऐसी बात जाने बिना तेरे पाप दूर नहीं होंगे। अरे अरे रे भैया, तू यदि त्यागी नहीं है तो रागी भी नहीं है, यदि तू त्यागी नहीं है तो पापी भी नहीं है। ग्रस्त दशा भी यदि व्यवहार से कहें, व्यवहार से, परमार्थ से तो तू प्रभु है। व्यवहार से यदि तुझे हम ग्रस्त भी कहें, तो ग्रस्त माने पापों का खुला लाइसेंस नहीं। क्या कह रही, पापों का, अनाचार का, व्यभिचार का खुला लाइसेंस नहीं है। ये कोई पापाचार का लाइसेंस नहीं मिल गया है तो फिर क्या करें? अंदर में तू अपने परमात्मा को देख तो पाप छूट जाएगा। क्यों? जैसे जैनत के अनुभव में वो सर्विस अच्छी नहीं लगती,
ऐसे ही परमात्मने के वेदन में पांच इंद्रियों की गुलामी अच्छी नहीं लगती। पाप किसको कहते हैं बोलोगे? अरे वो तो बराबर है, बराबर है, थोड़ा अच्छा हम बोलते हैं, कोई डरो नहीं है, घबराना नहीं भैया। सुनो, पांच इंद्रिय की विषयों की गुलामी ये पाप है। क्या कहा? अपने परमेश्वर को भूलकर, अपने परमेश्वर को भूलकर पांच इंद्रियों की विषयों की गुलामी करना एक हरेखर मोटा में मोटा पाप है। बस ध्यान रखना, पाप कितने होते हैं? एक की पांच, पांच तो समझाने के लिए हैं। खरे खर तो पाप एक ही है, एक स्वभाव है, एक तरफ विभाव है, एक तरफ शुद्धात्मा है परमात्मा है और एक तरफ परमात्मा का तिरस्कार है, एक तरफ परमात्मा का तिरस्कार है। ओहो भैया, स्वामी जी का आना तो गजब ही हो गया इस कली काल में। ये बात कौन बताता था, कौन कहता बोलो? अरे रे, तेरे को प्रवचन सुनने का राग आता है, ये अपन पाप है, हिंसा है। सुन नहीं लो, सुनाया कि नहीं सुनाया मुझे याद नहीं, आपकी सभा में मुझे पंडित साहब की याद आ गई। एक दिन ऐसे प्रवचन चलता था तो मेरे से पूछा, सुमत, ऐसे सभा में पूछा, सुमत भगवान अपने तो अच्छे हैं, सच्चे हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, सच्चा देव है और अपन रोज उनका दर्शन करते हैं, तो वो अपने को एक बार भी देखते क्यों नहीं, देखते क्यों नहीं है अपनी ओर, अपनी ओर देखते क्यों नहीं है? एक आध बार देख ले भी नहीं, भगवान अपनी ओर ही देखते, तुम्हारी ओर नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? तो हम चुप, हम क्या बोले उनके सामने, हम तो बोले एक परमेश्वर दूसरे परमेश्वर के सामने रोज के रोज हाथ जोड़ के आ जाता है, हमसे देखा नहीं जाता। क्या एले भैया, और जो टीवी देखने चला जाए ने पापाचार में चला जाए उसको तो क्या कहेंगे, जो पांच इंद्री के विषय भोग पाप में चला जाए उसकी तो क्या बात कहेंगे, लेकिन हमें तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि तुम हमारे सामने रोज के रोज आ जाते हो। ज्ञानियों की तो विचक्षण बातें होती हैं भैया, वो ही जानते हैं, अपन क्या समझे उन बातों को। समझ में आया भैया? एक किसकी बात चली, अभिरमण रूप हिंसा, समझाएंगे थोड़ा उसको। परिणमन रूप हिंसा, दो प्रकार की हिंसा है, परिणमन रूप हिंसा, एक अविरमण रूप हिंसा। एक हिसाब से जरा अपनी सरल भाषा में कहें तो एक तो द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा, माने इसी को अपन दूसरी भाषा में कहेंगे तो द्रव्य हिंसा अने भाव हिंसा। ध्यान से सुनना, विश्व में द्रव्य हिंसा से तो सच्ची बात तो ये है कि 1% भी बंद नहीं होता, सच्ची बात तो ये है। हालांकि कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कहने में कोई डर भी नहीं है, क्यों? कि इससे खतरनाक बात आगे बताएंगे हम। ओहो, तू एक जीव को नहीं मारता, नहीं मार पाता, नहीं मार सकता, और कदाचित तू मारता भी है तो उससे तो बंद नहीं होता। उल्टा नहीं पकड़ना, अभी पूरा नहीं कहा, फुल स्टॉप नहीं किया, कॉमा लगाया अभी। परंतु अविरमण रूप हिंसा, भाव हिंसा से तेरे नित्य पाप होता है, नित्य बंद होता है। इसके एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं हम आपको, बहुत सरल दृष्टांत देते हैं। अभिरमण रूप, अभिरमण का मतलब कल बताया था, एक बार फिर बता दें, विरक्त नहीं है, वो पापों से विरक्त नहीं है। क्या कहना? जिसने त्याग नहीं किया है, नियम नहीं लिया है, जिसने उसका स्वरूप नहीं समझा है, अपने परमेश्वर का भी स्वरूप नहीं समझा है, वो पापों से विरक्त नहीं होता, वो उन चीजों से विरक्त नहीं होता। समझ में आया ना? तो इसको उस विरक्त नहीं होने से अनंत गुना बंद होता है। जीव मारने से तो सच्ची बात है तो यही है कि बंद नहीं होता, लेकिन अभी मैं कहूंगा तो लोग उड़ जाएंगे एकदम, ओ क्या कह रहे, तो फिर हम खूब मारें, बस भाव नहीं करें। अरे सुनता सही, बिना भाव के तू मारेगा कैसे? भाव नहीं करे तो शाबाश, चल जा, जा। इसमें बहुत गाथाएं लिखी, 42 से 57 नंबर तक की गाथा, थोड़ी बहुत गाथा नहीं, 15-16 गाथाओं में हिंसा का वर्णन, हिंसा का वर्णन एक गाथा में नहीं। अभी मैं पूरी गाथा एक एक सुनाऊंगा तो फिर हिंसा ही अकेला पढ़ा पाएंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन बचे हुए दिनों में 10 लक्षण प्रारंभ होने के पहले पहले
ये पांच पाप पूरे हो जाएं। कोशिश करेंगे भैया, गारंटी नहीं दे सकते हम। तो अभिरमण माने भाव हिंसा, भाव हिंसा माने तेरे भाव में वो अच्छा लगता है। जैसे जैसे एक दृष्टांत दें, आपको विरक्ति तो नहीं है, टेलीविजन देखने की विरक्ति तो नहीं है आपको टेलीविजन की, तो अब आपको विश्व में जितने भी प्रकार की पिक्चर बन रही हैं, बन रही जितने भी प्रकार की, चाहे वो गंदी हो, अच्छी हो, धार्मिक हो, जासूसी हो, पॉलिटिक्स वाली हो, और कोई भी हो, कोई भी प्रकार की पिक्चर होए, देसी होए, विदेशी होए, क्या कहलाती हो, वेस्टर्न हो, जापान की हो, फ्रांस की हो, रूस की हो, माने वर्ल्ड में जितना टीवी पे चल रही है, तुम्हें कोई का त्याग है नहीं है त्याग? तो कभी भी आप बटन दबाओगे, कोई सी भी आ जाए, आप बैठते रहोगे, देखते रहोगे। तो अब ध्यान से सुनना, कोई सी भी आ जाए तो आप देखने से विरक्त नहीं हो। तो सुन, अब पूरे 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 देशों की पिक्चर एक साथ नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन तुझे पूरे देशों की पिक्चर देखने का एक साथ पाप लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं अभिरमण रूप हिंसा। क्या आ गई तो देख लेगा, जापान किया है, रूस किया है, फ्रांस किया है, कोई सी आए, अपने क्या लेना देना। समझ में आया कि नहीं आया? माने गंदी हो, अच्छी हो, कोई सी हो, तो तुम्हें त्याग तो है ही नहीं, इसलिए तुम नहीं देखते। उस समय भी जिस समय सो रहे हो, उस समय भी जाग रहे हो, खा पी रहे हो, मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, उस समय भी तेरे लिए जब तक उसका त्याग नहीं है, उसका तुझे पाप बंद होता रहता है। तू द्रव्यपने से तो टेलीविजन एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा, आठ घंटा देखेगा द्रव्यपने से, लेकिन भावपने से तो तेरे अंतर में वो चल ही रहा है। ग्रंथ में एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, तंदुल मच्छ, नाम सुना है सबने पीछे, तंदुल मच्छ एक नाम है, तंदुल मच्छ। तंदुल कहते हैं राइस को, चावल का दाना, राइस, तंदुल, इतनी छोटी सी मछली होती है एक, और एक रागव मच्छ होता है लगभग एक योजन है, एक लाख योजन, कितने का ऐसा बहुत बड़ा होता है, एक लाख योजन है, कितना का एक योजन क्या है पता नहीं, हमें नहीं मालूम, आप समझ लेना, बहुत बड़ा होता है, यूं समझ लो कि पूरा भाईंदर बराबर, इतना बड़ा मगरमच्छ होता है, और उसके कान में वो तंदुल मच्छ रहता है, उसके कान में वो मछली छोटा जो रहे तंदुल, वो इधर रहता है कान में, और वो कान का मेल खा सकता है बस, और कुछ नहीं खा सकता, वो कान का मेल खाता है, लेकिन संगी पंचेंद्री होता है, इतना छोटा होने पे भी संगी पंचेंद्री होता है वो। तो वो मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ एक कितना योजन, कितना लंबा, इतना लंबा चौड़ा, तो उसका मुंह कितना बड़ा होता है पता है? उसका मुंह कम से कम कितना बड़ा बताऊं, जैसे समझो हवाई जहाज भी छोटा है, माने सबसे बड़ा हवाई जहाज होगा ना, सबसे डबल डेकर हवाई जहाज, इतना बड़ा उसका मुंह। तो जब वो अपना मुंह ऐसे खोलता है, ऐसे ऐसे खोलता है तो वो पानी के साथ साथ लाखों मछलियां उसके मुंह में चली जाती है, और जब श्वास छोड़ता है तो सारी मछलियां बाहर निकल आती है, माने श्वास के साथ वो मछली अंदर आ जाती है लाखों और निकल जाती है। तो मच्छ को देखते नहीं बनता, वो ये सोचता है वो हो इसकी जगह मैं होता, तो एक भी नहीं छोड़ता, सारी मछली खा जाता, केवल इतने से अभिरमण रूप हिंसा करने से सातवें नरक में चला जाता है, सारी जिंदगी एक भी मछली नहीं खाता, सारी जिंदगी एक मछली नहीं खाता, लेकिन 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 ओहो मछली खाने के परिणाम में खाता नहीं है, अभिरमण रूप हिंसा, और सातवें नरक चला जाता है। सातवें नरक से निकल करके बहुत भयानक सिंह बनेगा, फिर छठे नरक में चला जाएगा, बहुत लंबी दुखद कहानी है। एक किस में केवल, तो फिर पंडित जी आप क्या कहना चाहे, तो डरा रहे हो हमको, सुना हम ये कह रहे हैं, एक तो परमात्मा है ये देख, और परमात्मा को ये शोभा नहीं देता ऐसा समझ, जब तू अपने परमात्मा को देखेगा तो तुझे ऑटोमेटिक आपो आप
तेरे हृदय भूमि चित्त भूमि कोमल हो जाएगी, आत्मा का प्रदेश कोमल हो जाएगा, तब तेरे आपो आप ऐसा भाव आएगा, ओह ये पाप तो मेरे करने जैसा नहीं है, तो वो पाप आपो आप छूट जाएगा। केवल हाथ उठाने से नहीं छूट जाएगा, दो बात एक साथ कह रहे हैं, अंतर में स्वयं संवेदन करो, करो कठिन नहीं है बस, संवेदन करो, और बाहर में तेरे पाप छूटने का भाव हो जाएगा, होगा पक्की बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा को पाप सोभे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने तो इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत जैन सिद्धांत प्रवेशिका में दिया था, याद है आपको, एससी एसटी की सीट रिजर्व हो जाए भाईंदर से, समझ गए, पार्षद की वो क्या कहलाती है, एमएलए, एमएलए बोलो उसकी एक सीट रिजर्व हो जाए, और सीट कौन को जाएगी, एससी एसटी को, स्वीपर को। अब स्वीपर का अभी तक तो चाय जैसा खाता था, चाय जैसी गालियां बकता था, चाय जैसे बोलता था, शराब पीता था, और जिसको चुनाव लड़ने की होश आ गई उसकी कितनी परिणति बदल जाएगी, कितनी बदल जाएगी, बोलो ए एमएलए बनने का उम्मीदवार, उम्मीदवार एमएलए का उम्मीदवार, और जींस और लूजर छूटी गया, क्या कह रहे हैं, जींस और लूजर छूट गया, क्या कहलाते कपड़े वो, टी शर्ट ट्राउजर छूट गए। अब एक बहुत अच्छी भद्री ड्रेस आई सबसे पहले, कुर्ता पजामा, अभी कुदृष्टि छूट गई बहनों की, कुशील दृष्टि छूट गई, माता जी बहन जी भाई भाभी जी आशीर्वाद चरण, ओ हो जी क्या हो गया। और अभी अभी तो ऐसे पीता फिरता था सड़क पे, अब नहीं पीता, अब तो अभी तो कोई का भी पैसा खा जाता था, अब नहीं खाता, खाता समझ गए, कितनी परिणति कौन की सुधर गई, एमएलए की नहीं, एमएलए की उम्मीदवार, उम्मीद है, उम्मीद है अभी, हाँ बना कुछ नहीं है, इतना वो सोचता मैं एमएलए हो गया तो मैं मिनिस्टर ले लूंगा पोस्ट, ऐसे कर लूंगा मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, कितने साल के लिए, ये भी मैक्सिमम कोई गारंटी नहीं, 13 दिन में सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन में गिर गई थी, ओहो 5 साल की उम्मीद में चुनाव जीतने की उम्मीद में इतना खान पान आचरण उठना बैठना बोलना तो उसका सुधर गया, और अनंत काल के लिए मैं भगवान बन जाऊंगा, इस उम्मीदवार का क्या होना चाहिए, जरा हाथ तो खड़े करो, भगवान बनने का उम्मीदवार कौन कौन है, उम्मीद है भी कि नहीं, उम्मीद है कि नहीं है, बस तो फिर सब सुधर जाएगा, अब चिंता की बात नहीं है। अपने परमेश्वर को देखने वाला शाश्वत परमेश्वर पना प्रकट करने का उम्मीदवार 5 पाप को एक झटका में छोड़ देता है, छूटता है, छूटता ही है वो, ऐसी मस्ती में अभिरमण रूप हिंसा घटती है, बाकी नहीं घटती हो। थोड़ा और दृष्टांत दूं, कभी कभी परमात्मा पने का ज्ञान तो कराते ही नहीं, बहुत जगह ऐसी है जिन दिगंबर जैन मंदिर में भी परमात्मा का ज्ञान तो होता ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे आलू खाओगे तो नरक निगो चले जाओगे, साहब आलू छोड़ो, तो ध्यान से सुनना, तो ऐसे लोग सम्मेत शिखर जी जाके आलू छोड़ देवे, या दिगंबर मुनिराज को आहार देना हो तो उनके कहने से आलू छोड़ दे, आलू छोड़ दिया माने द्रविंसा छोड़ी, द्रविंसा छोड़ी, तो अंदर अंदर ऐसा लगता है कहां से फंस गया, अंदर अंदर युद्ध चल रहा है, युद्ध युद्ध समझते, अंदर अंदर द्वेत दुविधा क्या बोलते टेंशन, अंदर अंदर जैसे मैं करके सुनाऊं करके सुनाऊं तो जल्दी समझ में आएगा, अरे मर नहीं जाऊंगा, कोई आलू नहीं खाऊंगा तो बहुत सब्जियां हैं, मैं मर नहीं जाऊंगा, लेकिन स्मेल आती है, मजा आता है, क्या करे ये लोग भी यही आलू बेचेंगे, यही मुझे चाट पकौड़ी वाला भी यही खड़ा होगा जी, आलू बटाटा जी, और घर में झगड़ा करे, ए कोई आलू नहीं खाएगा, मैं नहीं माने कोई नहीं माने, आप उसकी उसकी टेंशन नहीं समझ सकते, बताओ आखिरकार वो बार बार लौट फिर के लौट, क्या कहना चाहिए, बार बार, कोई बात नहीं, एक काम करो
कच्चा केला लाओ, मैं आलू का समोसा नहीं खाऊंगा तो केले का खाऊंगा, बनाओ। अब वो केले की में, केले में स्थापना निक्षेप से आलू बना लेता है, स्थापना निक्षेप बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। तो भैया तू कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, तुझे खबर नहीं है तूने आलू का एक कटका नहीं खाया, लेकिन तीन लोग के सारे आलूओं की स्थापना तूने एक कटका में कर ली, कहीं में वो कच्चा केला में, अब तूने नरक जाने की तैयारी कर ली। तो पंडित जी ये अच्छा बताया, अब तो हम आलू छोड़ेंगे ही नहीं क्या इससे तो आलू खा लो वही अच्छा। अरे मूर्ख, आज तक आत्मा ने आलू खाया नहीं है, परमात्मा ने आलू छुआ नहीं है। अच्छा पंडित जी, जब आत्मा ने खाया नहीं तो फिर उसका फल क्यों भोगता है, जब नहीं खाया ना आलू, पुद्गल ने खाया आलू, हमने पुद्गल में डाल दिया, पुद्गल समझे शरीर में, तो फिर आत्मा उसका क्यों फल भोगता है, देखो उसका फल क्यों भोगता है, बताऊं शॉर्ट में बताऊं कि लंबा करके बताऊं, शॉर्ट में सुनो जल्दी से, एक बार बताओ, पेट्रोल मोटरसाइकिल पीती है कि ड्राइवर मोटरसाइकिल, ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर चोरी का पेट्रोल मोटरसाइकिल में डाला तो जेल कौन जाता है समझ में आया कि नहीं आया, मोटरसाइकिल क्यों नहीं जाती जेल में, जब वो चोरी का पेट्रोल पी रही है तो मोटरसाइकिल वैसे तो बोलती नहीं है, लेकिन हम ही बोल दे रहे उसकी तरफ से, मोटरसाइकिल कभी नहीं कहती कि आप चोरी का पेट्रोल डालो, मत डालो, वो तो नहीं कहती आप तो चोरी का मत डालो, वो तो कंप्लेन नहीं करती आज चोरी का नहीं पिलाया, वो तो नहीं कहती ऐसे ये शरीर तो कभी नहीं कुछ कहता कि रात को खिलाओ कि आलू खिलाओ कि फला खिलाओ कि मत खिलाओ, ये तो नहीं कहता, ये तो नहीं कहता, ओ हो हो। परंतु जो इसका ड्राइवर है, ओनर है, मैनेजर है, क्या बोलना चाहिए, थोड़ा अच्छी भाषा में बोल दो कुछ, जो इसका व्यवस्थापक है थोड़ी देर के लिए, कौन ने कहा था तेरे से, बोल, एक कलेक्टर चोरी का पेट्रोल गाड़ी में डाले तो गाड़ी तो नहीं जाती, लेकिन नौकरी से कौन जाता है, कलेक्टर जाता है, ए आपने क्या किया, चोरी का मिलावट का तेल क्या करते हो जी, ऐसे ही आत्मा ने आज तक आलू नहीं खाया, रात्रि भोजन नहीं किया, लेकिन अभिरमण रूप हिंसा से 84 लाख में चला गया। अब बोलो क्या करना है, बोलो, और बता दूं, अब अभिरमण की चर्चा हो गई और इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, एसीसी में चलेगी चर्चा। जैनी लोग ईसाइयों से प्रभावित है 100%, जैनी लोग ईसाइयों के कल्चर से प्रभावित हैं, उनके यहां सूप पिया जाता है, सॉस खाया जाता है, वहां उनके यहां हड्डियां उबाल करके जो रस बनाते हैं ना उसका नाम है सूप, हड्डियां उबाल करके चिकन का, और हड्डियां और समझ लेना, और भी बहुत तरह के सूप बनते हैं वहां, फिश चिकन करी, अपन ने भी अपने आप के नाम रख लिए, वही के वही नाम रख लिए, भले ही आप वो चीज नहीं खाते, आप द्रव्य हिंसा नहीं करते, आप चिकन नहीं खाते, आप एग्स नहीं खाते, लेकिन आपको उन नामों के बिना चैन नहीं पड़ती है, आप वो मॉडल बनाते हो, उनके यहां मांस, मांस का पिंड होता है ना, मांस का पिंड, उसका नाम था केक, आपने मैदा का बना लिया थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया, थोड़ा कुछ और डाल के तब फुला लिया उसको, और अब बहुत अच्छा लगता है, वे मांस के पिंड को चाकू से काटते हैं, आपने बर्थडे के दिन काटा, आपने भी चाकू का इस्तेमाल किया, आपने मांसाहार का अविरमण रूप से पाप कर डाला, करा है, पक्की बात है, आप क्या कहें, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो अब आपको ऐसा लगेगा पंडित जी क्रियाकांडी थी गया क्रियाकांड नहीं है, अभिरमण रूप हिंसा का वर्णन चल रहा है। ये बच्चे होते ना, छोटे छोटे बच्चे, एक बाजार में एक मिठाई आती है, मिठाई तो क्या कहना चाहिए, छाता वाला नहीं आता, छाता वाला, उसका शक्कर का एक पिंडल लगा रहता है उसके ऊपर, फिर वो ऐसे खींच खींच के एक कुछ बना देता है, क्या बोलते हैं, बंबई वाली मिठाई बोलते हैं हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दादा, कुछ बोलते हो गए आप भी,
माने उसका खेच खेच की शक्कर का ऐसे ऐसे बनाता है वो। आप ध्यान से सुनाओ, सना सना है हाँ, चिंगन जैसा रहता, खींच खींच के बनाते हैं, मीठा 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 रहता है। सना सना कोई बात नहीं, अभी सुनो। अब बच्चों से वो पूछता है, बच्चों से क्या लेंगे आप, तो उसने कहा मोर बनाओ, मोर पिकॉक, शेर बनाओ, गाय बनाओ, ऐसे कुछ बनाते हैं इसको। तो वो क्या करता है, वो ऐसे बना बना के जोड़ जाड़ करके पक्षी बना देता है, कहीं कुछ बना देता है, ऐसे बना देता है। अब जब बच्चा उसको लेता है ना, मार्केट से खरीद लेता है वो, तब वो ऐसे करता है, देख मैंने पांव खा लिया, देख मैंने मुर्गे की गर्दन खा ली। ये बोलते हैं बच्चे ही, आचार्य देव कहते हैं तू अभिरमण रूप हिंसा कर रहा है, तू द्रव हिंसा तो नहीं कर रहा, द्रव हिंसा नहीं कर रहा, कौन सी हिंसा चल रही है। जब हम लोग छोटे थे, छोटे थे हम भी ऐसे ही करते थे, तो घर में वो भजिया वगैरह बनती, क्या बोलते हैं, मंगोड़ा भजिया, क्या बोलते हैं, पकोड़ा, ऐसे। तो हम उसको देख देखते थे ऐसे, तो हम उसकी ऐसी भाषा बोलते थे, तो हमारी ग्रैंड मदर वगैरह हमको टोकते थे, बहुत छोटे थे जब, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, इसमें अपने को मांस खाने का पाप लगता है, मांस खाने का पाप लगता है। एक रोटी को शक्कर लगा करके ऐसे कर लिया रोल, और रोल करने के बाद जब थोड़ा खाया, खोल के देखा, देख कैमिल बन गया और ये मैंने इसकी गर्दन खाई, और मैंने इसकी, ऐसा बोलने में, मन में विचार आने में, पकोड़े वगैरह में जो कल्पना की, उसमें तेरे को अभी रमण रूप अनंत का अनंत हिंसा होती। कितनी हिंसा मालूम आपको, याद है वो कहां गया था, वो तंदुल मच साथ में नरक गया था। ओ हो, ऐसे तू अभी रमण रूप हिंसा करता है। द्रव हिंसा तो जैनी का बहुत कम है, जैनी की हिंसा 1% भी नहीं है, जैनियों की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, इतना भाव भी नहीं होता, एक सामान्य जैनी में भी इतनी ताकत नहीं रहती मैंने कि वो हिंसा करे। लेकिन अभिरमण रूप वो तो गजब ही पाठ है, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन भैया तेरे पर में मजा आए बिना, वो अभी बताए ना नाम रख लेता, नाम क्या क्या नाम रखते हैं हमें तो पता भी नहीं, वो आप, मैं तो सुन के ही रह जाता हूं। एक लड़का आया, पंडित जी मैं क्या खा के आया, स्नैक बार खा के आया, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं पता नहीं, मैं पिज्जा खा के आया, हॉट डॉग खा के आया, हॉट डॉग। तो मैंने, हॉट डॉग तो गरम कुत्ता होता है, क्या होता है हॉट डॉग, क्या होता है चाइना में कुछ होता है, जो भी कुछ होता है, मैंने उसके नाम भी ऐसे हैं, स्नैक बार, हॉट डॉग, और भी क्या क्या, पिज्जा, बर्गर, क्या क्या होता है, अपने तो खैर पता नहीं भैया, ये तो अपने जब तक नाम चले तब तक नौकरी छोड़ दी पता ही नहीं लगा क्या होता है मार्केट में। लेकिन आपको खबर नहीं पड़ती है, आप जो पद्धति अपना रहे हैं, तीन लोग की सर्वोत्कृष्ट ट्रेडिशन जिसको आप कहते हैं, तीन लोग का सबसे सुंदर सर्वज्ञ भगवान प्रणीत खान पान की पद्धति हमारे यहां थी, चाल चलन हमारे यहां था, उठना बैठना हमारे यहां था, वो तो हमने उड़ा दिया। और हम इस ईसाइयों को देखे देखे अपना भी एक सेंटर टेबल आ गई, सेंटर टेबल पे अपने भी छुरी आ गई, कांटे आ गए, चम्मच आ गई। अब वो तो क्यों करते थे, उनकी तो मजबूरी थी, उनका तो मांस का पिंड परसते नहीं मुर्गे का, तो वो क्या करते हैं छुरी से ऐसे उसमें कर लेते हैं ऐसे, ताकि वो सरके नहीं, फिर उसे उसे छुरी से ऐसे करते हैं, और फिर वो कांटे से ऐसे खाते हैं, और फिर उसे सूप पीते हैं। तो उन्हें तो तीन चीजें चाहिए थी, लेकिन हमें तीन चीजों की क्या जरूरत पड़ती। तो मैंने देखा जैनियों को भी, वो क्या करते हैं, रोटी को हाथ नहीं लगाते, रोटी को हाथ नहीं लगाते, पहले तो वो छुरी और चक्कू की उसे कांटे से उसका रोल बनाते हैं, फिर चक्कू से पीस करते हैं, फिर कांटे से उठा के ऐसे खाते हैं, और फिर एक चम्मच दाल खाते हैं। मैं समझ आया आपको, इसका नाम है मॉडर्न जैन। पंडित जी अब अपन तो ट्रेडिशनल नहीं है, तो ट्रेडिशनल नहीं भले आदमी, लेकिन वो ट्रेडिशन आया किसका, तूने नकल किसकी करी है, वो मांसाहारियों की। आप सब में विचार कर लेना, मैंने बहुत जल्दी जल्दी सुना दिया आपको, पता है तरबूज, तरबूज क्या बोलते, कलिंदा, तरबूज कलिंदा, इसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष होता है, कोई दोष नहीं है, लेकिन इसके कलर की वजह से दिगंबर जैन खाते नहीं है, खाते नहीं थे कहना चाहिए,
मैंने खाते नहीं थे क्यों? इसके रेड कलर में जब पीसेस बनते हैं तो उन पीस को देख करके हमें उसकी याद आ जाती है। माने याद आने मात्र से, बचन से तो कहते ही नहीं है, याद आने मात्र से उसे नहीं खाते थे। थे कह रहा हूं मैं, नहीं खाते होंगे अभी भी जिनको गिलानी आती है उसकी। सेवैया, खीर, खीर बनाते हैं सेवैया, क्या बोलते हैं, बिया सेवैया। दूध में देखने के बाद हिम्मत नहीं बढ़ती तो कितने ही दयालु जीव उसका सेवन नहीं करते। दयालु जीवों की बात कर रहे, क्या मतलब निकला? इतनी इतनी बारीकी से क्यों बता रहे? ज्ञान कराया है। सही बात यह है कि बाहर देख देख करके आचरण नहीं आता, बाहर देख देख करके आचरण नहीं आता। अंदर में अपने परमात्मने का जितना जितना भाव बढ़ता जाता है उतनी उतनी करुणा और विशुद्धि बढ़ती जाती है, उतना उतना उसके त्याग होता जाता है। आज हमको पूछ रहे थे तो हम त्याग कर दें, हम ये ऐसे त्याग नहीं होगा भैया, त्याग की विधि समझो पहले, त्याग का स्वरूप समझो। हम आपको ऊपरी क्रियाकांड नहीं सिखाएंगे, पहले नंबर तो तुम कौन हो ये तुम्हें खबर होना चाहिए। हमारे पास तो एक ही फार्मूला बहुत है, हम तो उत्तर भारत में भी कहते हैं, उत्तर भारत समझ गए होंगे, लोग कहते हैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा क्यों कहते हो? तो हम खुले हम कहते हैं हम भगवान आत्मा इसलिए कहते हैं कि उसको जानते ही चारों अनुयोग प्रकट होते हैं। भगवान आत्मा जानते से ही तुम पाप नहीं कर सकते, गारंटी है बिल्कुल। जान के देखो एक बार, एक भगवान दूसरे भगवान को चबाता नहीं है एक भगवान दूसरे भगवान को खाता नहीं है। आलू में अनंत भगवान है, एक भगवान दूसरे भगवान को जानकर कैसे खाएं? बस इतने ही समझ लो सारा, एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे ठगें? हमें तो भैया ग्राहक भी भगवान नजर आते हैं, दुकानदार भी मजबूर भगवान नजर आता है, कमाना पड़ता है, लेकिन कमाना उसका स्वरूप नहीं है। एक कमाना पड़ता है तो बेईमानी से क्यों कमाएं? एक सही बात बताना जरा ईमानदारी से, सारे पाप छूट जाएं इस चर्चा में, अपने को भगवान देखे तो, परमात्मा देखे तो, परमात्मा की शोभा क्या है जरा ये तो बताओ। ठीक है मजबूरी में हमको कपड़ा पहनना पड़ता है, ठीक, किसने कहा कि 1,00,000 का पहनो? उस 1,00,000 के लिए पाप करते फिरो, फिर बेईमानी करो, रहने दो, शरीर को ढांकना भर है बस, ढांक देंगे, थोड़ा और अच्छा पहन लो, यदि पुण्य के उदय में और ज्यादा हो तो पहन लो, लेकिन चोरी चपाटी का नहीं, बेईमानी का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं। आया समझ में आया कि नहीं आया? गजब हो गया, बहुत समझना बहुत भैया। रोटी खाना है, रोटी खा लो, कोई मना करता है क्या? रोटी खाना आज भी महंगा नहीं पड़ता, लेकिन इसे तो पता नहीं क्या क्या करना है उसमें। जितने की रोटी नहीं खाता उससे ज्यादा के तो बर्तन होते हैं वहां। जब तक अपना सेंटर टेबल सजी नहीं हुए, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे क्रॉकरी सेट, ए सेट, वो सेट, चम्मच, एक जीरा मन, एक फला, एक 10 तरह के मसाले, 10 तरह के अचार, 10 तरह की वो क्या क्या डालते, सॉस, सूप, हे भगवान, और इन्होंने एक और याद दिला दिया, बोन चाइना बोन चाइना, हड्डी का बना हुआ बोन, माने क्या होता है? अन्य जब तक वो सेट नहीं आ जाए ट्रांसपेरेंट, तब तक एक दूध पीने का मजा ही नहीं आता। चाय तो हम पिलाते नहीं है और दूध पीने का मजा ही नहीं आता, आपको खबर नहीं भैया। ये तो बहुत थोड़ा सुना रहा हूं, अभी रमण में बहुत बात है। आत्मा को जाने बिना, अपने स्वभाव को जाने बिना तू पर में रमण करता है, ये अभी रमण हो गया। तू पर में रमण करता है, पर में तो, परत में तो बहुत हो गया, लगा लो आप। मैं तो एक थोड़े में कहूं भैया, अपन परमेश्वर हैं और अपना कल्चर सबसे बढ़िया है, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतने में सब पाप छूट जाएंगे आपके। कोई का ट्रेडिशन सीखने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आप कोई पाप हो तो हमें बता देना भैया, इतने में सब पाप छूट गए। हिंसा, इसमें बहुत अच्छी चर्चा लिखी है, पढ़ना आप। यहां लिखते हैं मन वचन काय, अब तीन जोड़ रहे हैं इसमें, क्या जोड़ रहे हैं? मन वचन काय, तीनों के द्वारा हिंसा का पाप लगता है। मन से क्या होता होगा? मन से, मन में विचार करने मात्र से, मन में
विचार करने मात्र से, सभी लोग ध्यान सुनना, आपको ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, आप मैं आपको एक एक चीज लॉजिक से बताऊंगा। देखो आप सोचते होगे कि हमने अंदर ही अंदर मन में आनंद ले लिया तो इसमें कौन सा पाप हो गया, इसमें कौन सा पाप हो गया। बचन में हमने देह से तो नहीं खाया ना, बचन से यदि हंस लिया खाते हुए देख करके प्रसन्न हो गए तो इसमें कौन सा पाप हो गया। बहुत सरल एग्जाम्पल देके समझाएंगे आपको, मन वचन काय की बात, इसमें लिखा है गाथा पढ़ मैंने है, इसमें आपको अविरमण माने मन वचन काय से प्रसन्नता, मन वचन काय से आनंद, उससे भी पूरी हिंसा का पाप लगता है आनंद आने से। मैं आपको बताऊं, देखो पहले मन वचन काय समझा दूं जल्दी सब लोगों, नए बच्चों को, नई पीढ़ी को जल्दी समझाएंगे शॉर्ट में। अपने घर में सांप निकल आया तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो अपने मन में ये आया कि मारो, तो ये मन का पाप। लेकिन अपन नहीं मार पा रहे हैं तो अपन ने पुकारा, अरे कोई बचाओ, सांप को मारो, ये वचन से हिंसा। भले ही कोई मार पाए या नहीं मार पाए लेकिन वचन से हिंसा हो गई। मन में सोचा कि मार डालो, भले ही मारा कि नहीं मारा लेकिन मन में हिंसा हो गई। अभी काया से शरीर से ऐसे मारे तो काया से मरे कि नहीं मरे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीनों में हिंसा का समान पाप हो गया है, हो ही गया। आगे चलो, कृत कारित अनुमोदना, समझा रहा हूं, कृत कारित अनुमोदन, स्वयं मारे, स्वयं नहीं मार, इसको कहते कृत, स्वयं मारे तो खुद नहीं मारे लेकिन दूसरे को बुलाए भैया, तो कारित दूसरे से मरवा दे भी, और अनुमोदना में अपन ने मारा भी नहीं, किसी से मरवाया भी नहीं, लेकिन किसी ने मार दिया, किसी ने आपो आप मार दिया, तो हम उसमें प्रसन्न हो गए, क्या बहादुर लड़का है, वाह ब्रेव ब्रेव वाह जोरदार, ऐसी तारीफ करी, तो आपको उसने मारा तो भी आपको पाप लगा। देखो जैन दर्शन का इतना अनुसंधान विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में तो इन बातों को कोई हिंसा तक समझने तैयार नहीं है। बोलो, जिस मदर टेरेसा को अहिंसा के नाम पर बड़ा जानते हैं कि साहब बड़ी दयालु है, बड़ी ऐसी है, बड़ी ऐसी, और मेंढकों का आहार खाती थी वो अचार, और छिपकली का, ये तुम्हारे क्या कहलाता है, कैचुआ गिंडोला क्या बोलते हो आप लोग, येड़ होती ना बरसात में चलती रहती सड़क पर है, कड़सिया जो कुछ आप बोलते समझ लेना भैया, है ना, मैंने वो उसका आचार खाती थी, मैंने हमको लगता है बहुत दयालु है, लेकिन जैन दर्शन जैसा अनुसंधान कहीं नहीं है। अब मैं थोड़ा समझाता हूं, जिस पॉइंट समझ में आ गया आपको, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ये सबसे पाप लगता है। कैसे पाप लगता होगा, आपको ठोकर लग गई पत्थर की और सामने वाले ने किया कुछ नहीं, ना तो उसने ठोकर लगाई आपको, कुछ नहीं किया, लेकिन वो हंस पड़ा आपका मित्र या कोई व्यक्ति हंसने लगा जोर जोर से, तो आपको क्या होता है बताओगे, क्यों गुस्सा क्यों आया, उसकी क्या गलती है, उसकी क्या गलती है, उसने तो नहीं मारा ना आपको, लेकिन वो हंसा क्यों, माने आपकी तकलीफ उससे बढ़ गई, इसका मतलब है किसी के हंसने और अनुमोदना करने से भी पाप लगता है। देखो थोड़ा मन की बात करें, मन की बात, मन की बात, पति ने, ध्यान से सुनना, मन वचन का दृष्टांत दे रहे थोड़े, पति ने एक नई शर्ट पहनी और अपनी पत्नी से पूछा कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, तो उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, मन में भी कुछ नहीं कहा, माने मन में तो समझ गई कहा कुछ नहीं, तो उसका क्यों, क्या बात है, आजकल मन ठीक नहीं है, ठीक है, बोलो कैसा लगता है आपको, आपको ऐसा लगता है कि मेरी 500 रुपए की शर्ट मन इसका मन ही नहीं, मन ही, देखो उसकी मन की प्रसन्नता नहीं हुई तो आपकी शर्ट पहनना बेकार गई, ये दृष्टांत है। अभी थोड़ा और आगे कहता हूं, फिर आपने फिर पूछा क्यों 500 रुपए की, कोई कलर खराब है क्या, बोले नहीं कलर तो ठीक है,
अब देखो वचन प्रॉपर नहीं है तो अभी कैसा लग रहा है आपको, तो फिर क्या बात है? तो फिर उसने कहा सही बोलू कि बोलो बोलो सही बोलो, जी तुम चाह रहे सही बोलो, शर्ट कैसी लग रही है? यदि वो सामने वाला आदमी पहनता ना बारी वाला तो बहुत अच्छी लगती है। अब तो आपको काटो तो क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? उसने कौन सा पाप किया है बता सकती, कौन सा पाप किया उसने? उसके मन में पर पुरुष भाग गया, ये पाप है। उसने वचन से एक बाघ के बोल करके बहुत बड़ा पाप कर डाला, और इस पाप की सजा क्या होगी ये तो मैं आपको क्या समझाऊं। इसके एंड में डाइवोर्स हो सकता है, और डाइवोर्स से यदि नहीं हो पाए तो इससे पहले उसको ऊपर पहुंचाया जा सकता है। कौन है, कौन है, कौन है, झट उसका मोबाइल पकड़ेगा, कौन के SMS आते हैं, कौन का फोन नंबर आता है, सारी तपास करता फिरेगा। इतना तूफान चल जाएगा, रात चैन ना दिन चैन, काय का कमाल है जे? एक वाक्य का कमाल, एक वाक्य में इतना तूफान चल सकता है भाई साहब। आप कल्पना करो जब आप भगवान आत्मा की उपेक्षा का वचन बोलते हो तो कितना पाप लगता होगा, जब आप शुद्धता के खिलाफ बोलते होगे और सोचते होगे तब कितना पाप लगता होगा। जब एक स्त्री अपने पति की ईमानदारी पर शंका का वचन बोले, या पुरुष अपनी पत्नी की सील पर शंका का वचन बोले, एक वचन बोलने में तो कितना तूफान मच जाए घर गृहस्थी में। ये दृष्टांत दिया मैंने। अब मैं आपसे कहता हूं, जब भगवान आत्मा की शुद्धता पर आप घात करते हो, मन में उल्टा सोचते हो, वचन में बोलते हो और काया से प्रसन्न होते हो, कब काया से प्रसन्न तो समझ गए, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें बड़े मजा आती है, टेलीविजन देखने बड़ी मौज आती है, चेहरा खिल जाता है, देखो समझाता हूं, तमे भगवान छो, मतलब पत्नी तुमसे पूछते, पति पत्नी से पूछता मैं कैसा लग रहा हूं, ठीक है। इतने में तो काया के एक्शन पे क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, अब जो कुछ हो तो समझ लो। जैसे लोक में मन वचन काया का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, ऐसे भगवान आत्मा की बात चलती तब तो अपन ऐसी और अभी घर जाएंगे, घर घर सो घर में दो चार पांच घंटे भी गप सप लग जाए भाई, मेहमान आ जाए कोई, 10 जने बैठ जाए सगा वाला, कहीं की बात शुरू होगी, कहीं एंड होगी, एक एक बारात की जगह 10 बारात में घुमाएंगे बातें बातों में। और फिर ए इतनी जल्दी 3 घंटा हो गए, और यहाँ एक प्रवचन हुए, पंडित जी 1 घंटा चौकस टाइम देगी। मैंने यहाँ तू बार बार घड़ी देखता है, और 100 ओवर का मैच हो जाता है, 8 घंटा लग जाते हैं, मैं ऐसा लगता है इतनी जल्दी पूरा हो गया, बड़ी जल्दी पूरा हो गया। सही सही बताना, 8 घंटे का मैच छोटा है ना, छोटा है ना 8 घंटे का मैच, बहुत भैया इतनी जल्दी पूरा हो गया, मुझे तो देख के दंग हो जाता हूं, लोग वीडियो गेम में 50-50 ओवर का मैच खेलते हैं, घंटों बकवास करते हैं बैठे 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 बैठे, ओ हो तेरी जिंदगी फालतू है क्या, देख के दंग रह जाते हैं भैया। समझना अभिरमण रूप हिंसा है। अच्छा याद आ गया, मैं वीडियो गेम का नाम आ गया बोल ही दूं। एक मैंने अभी देखा, एक हमारे पास एक युवक आया, सो मोबाइल में गेम खेल रहे थे, तो मैंने कहा क्या गेम खेल रहे है? हाँ पंडित जी आप भी सीख लो, देखो देखो, तो उसमें क्या था, एक सांप आता है और इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट को कीड़े को खाता है, कितने कीड़े खाए, एक खाया, और जी ऊपर जा रहा है जी, नीचे जा रहा है, पकड़ खाओ। ये भगवान तुम ऐसी भाषा बोलते हो, खेल खेलते हो, आपको खबर नहीं भैया, खबर नहीं आपको, आप हत्यारे हो, हत्या का पूरा पाप लग रहा है, लग ही रहा है, गारंटी है लग ही रहा है। आप बिल्कुल, अभिरमण हिंसा बहुत बड़ी है, विश्व में अभिरमण रूप हिंसा की चर्चा कहीं नहीं है, मां द्रव हिंसा को हिंसा मानते हैं यहां तो। जब इराक की लड़ाई हुई ना अमेरिका से, तो बहुत सारे वीडियो गेम मार्केट में आए,
सद्दाम हुसैन को कत्ल करो, सद्दाम हुसैन को मारो, अथवा उन्होंने बुश को मारना दिया, बुश को गोली मारो, तो गेम में बुश आ रहा है बार बार, आप गोली मार रहे हो, आप उसका जो कुछ भी बम मार रहे हो, आप देख लेना जितने वीडियो गेम फेमस होंगे 99% फेमस कौन से होंगे, जो हत्या के होंगे, हिंसा के होंगे। मैंने देखा है बच्चे लोग बैठ जाते हैं वीडियो पार्लर में, वीडियो क्या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो बच्चे को सीधी सीधी मोटरसाइकिल चलाने मजा नहीं आता जब तक वो एक्सीडेंट नहीं करे और फुटपाथ पे नहीं चढ़ा दे उसको, और जब तक वो 2-5 उल्टियां खा करके राउंड लगाता वो गिरता है वो फिसल करके, तब इतना मजा आता है पूछो नहीं। मैंने ये अपनी हिंसक मनोवृत्तियों का पूर्ति करने के लिए वीडियो गेम करता है। ऐसे बच्चे रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए बिना नहीं रहते। और आपको यदि साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट सुनना हो तो सुन लो, आप न्यूज़पेपर में आती है साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट। आप अपने बच्चों को हिंसक वीडियो गेम मत खिलाओ, इससे इनकी हिंसक मनोवृत्ति होती है, तोड़फोड़ की वृत्ति होती है, फाड़ने की वृत्ति होती है, लड़ने झगड़ने की वृत्ति होती है, मरने मारने की वृत्ति होती है। एक 10वीं का बच्चा, 8वीं का बच्चा सेकंड रैंक बनी, रेल के नीचे चला गया, बिल्डिंग पे से गिर गया, नस काट ली, जहर खा लिया, ये काय का रिजल्ट है? ये उस अभिरमण रूप हिंसा का फल है जो वीडियो गेम देखने से इसके दिमाग में पैदा हुआ है। पहले हमने कभी नहीं सुना था कि रेलगाड़ी में चलती रेल में से किसी को फेंक दे, अभी तो एक साल में 10-5 केस सुनी लो। जितने जो तुम्हारे इंजीनियर वगैरह बड़े स्कूलों लड़के पढ़ते हैं, अपन तो सोचते थे पढ़े लिखे समझदार होंगे, लेकिन इनमें पेशेंस नाम की चीज नहीं, जरा कुछ हो जाए तो कॉलर पहले ऊंची, बटन थोड़े, चैन मैन ऐसे ही स्टिक, ही गजब हो गया। बात जरा सी है, क्या हो गई अभी ये बात, क्या जरा सी हो गई कि उसने कप उठाया चाय का और एक बूंद थोड़ी सी गिर गई, अरे इतने में तो हत्या। न्यूज़पेपर पढ़े होंगे आपने, मैं इससे ज्यादा और क्या कहूंगा, बोलो भैया। जैन ही होए तो अभिरमण रूप हिंसा नहीं करे, समझ में बेटा? ये बच्चों को समझाना, ये मोबाइल गेम से लेकर के खाने पीने तक का, अरे हमें तो सच में क्या कहें, बातें याद आती संस्कार की अपनी। कबड्डी वगैरह खेलते थे ना, क्या खेलते थे, कबड्डी क्या बोलते हैं, तो उसने मार दिया, मर गया, तू मर गया, ये भाषा नहीं बोलते जैनी लोग, आउट बोलेंगे, चल भैया आउट हो गया। मारना मरना ये भाषा में नहीं बोलते, पहले जमाने में आप क्या बोलते, सीताफल काशीफल बहुत नाम है उसके, कद्दू पीला पीला आता है ना मार्केट में, कद्दू मोटा वाला, अब जो भी आप बोलो आप समझ ले, हमने तो बोल दिया पेठा जाकर ना बड़ा साइज पेठा, तो उसको कहते हैं बाइट को, बाइट कद्दू को, लेकिन पीला वाला जो मोटा आता है, अच्छा तो उस पहले तो बहुत हार्ड आता था, अब तो हाइब्रिड आने लगा ना, हाइब्रिड तो अब तो थोड़ा कोमल हो गया, पहले तो इतना हार्ड आता था कि ऊपर से पटक दो तो ना टूटे, और तलवार लानी पड़ती थी उसके लिए, तलवार तो ऐसे चलाना पड़ती थी। तो जैनी लोग उस समय कद्दू नहीं खाते थे, क्यों नहीं खाते थे कि इसके ऊपर तलवार चलाने का भाव करना पड़ता है तो हमारे तो परिणाम नहीं लगता, ऐसी गजब बात है। अब आप ये समझो, समाचार पत्र में महावीर भगवान की फोटो होए और हम अखबार फाड़ देवे, पैरों में डाल देवे। मैं सोनगढ़ की बात सुनाते हैं आपको, सोनगढ़ की बात, अभिरमण हिंसा चल रही ना, तो बहन श्री समझाती थी, शांताबेन चंपाबेन दोनों थे ना, बहन श्री ऐसे समझाते थे बहनों को ब्रह्मचारी भाई बहनों को, उस चटाई और दरी पर नहीं बैठना चाहिए जिसमें जीप का फोटो होए, मोर बनी होए, शेर बना होए, कोई बना होए, उस पर नहीं बैठना, इतना समझाते थे। और अभी अपने को तो समझ गए आप, थोड़े में बहुत समझना, इतनी सूक्ष्म हिंसा की चर्चा कहां मिलेगी आपको, बोला। तो पंडित जी आपने तो बहुत परेशान कर दिया, आज तो अब हम हिल भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते। अरे खाओ ना, बहुत अच्छे नाम है अपने पास, अच्छी चीजें, अच्छे नाम रखो, खराब नाम मत रखो, बेस्ट रहने के बिल्कुल मत रखो भैया।
आप रस कह दो ना, जरूरी क्या है कि सुबह ही बोलो उसको, जरूरी क्या है? मैंने आप फिर कहते हैं बेस्ट फ्रेंड को देखा देखी क्यों करते हो आप? और एक बात और कह ही देता हूं भैया, अभी रमण रूप हिंसा बड़ी है, कुशील में भी शामिल है, मेरा एक मन है यदि कहो तो कहूं, बोलो। इस बार ऐसा बढ़िया 10 लक्षण मनाओ कि जैन मंदिर में एक भी वेस्टर्न ड्रेस ना आ पाए। क्या कह रहे, समझ गए? बहनों की ड्रेस ऐसी बढ़िया होए, अब पीछे पीठ खुल ली है, एक जरा सब कुछ बंदा है, इधर हाथ खुले हैं, अच्छा नहीं लगता। इस बार सोच ले भैया, सारे भाई लोग जे वेस्टर्न ड्रेस लड़के लोग ना पहने, जे लूजर और क्या क्या होती है। देखो एक बात कहते हैं, एक जमाने में स्कूल की जो बुक्स होती थी ना, वो जमीन पे नहीं रखते थे। स्कूल की बुक्स विद्या वगैरह जमीन पे नहीं रखते थे, जमीन पे पैर लग जाता था तो ऐसे करते हैं। और अभी वेस्टर्न वालों ने क्या किया, कमर पे लिख दिया कुछ, पैंट में इधर लिख दिया, इधर लिख दिया। अब आप जमीन पर बैठ रहे हो, हिंदी में इंग्लिश में जो भी कुछ लिखा है आप उसे बैठ करके जमीन पर। मैंने कहा तो अपन कभी विद्या को पैरों में नहीं रखते थे, और अब किसी को ये होश नहीं है कि तुम्हारा पुण्य नष्ट करने के लिए ये दिव्य ध्वनि का अंश होता है, विद्या दिव्य ध्वनि का अंश होता है, अपन खबर ही नहीं पड़ती। क्या कहते, मैंने अच्छा ही नहीं लगता ऐसे यहां पर लिखा हुआ। मैंने अब क्या लिखा है वो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता, इतना गंदा लिखा हुआ है। और फिर ऐसे में कोई लड़का उपद्रव कर दे तो लड़का खराब। हम पूछते लड़का खराब कि तुम्हारा अभिरमण रूप हिंसा खराब? बहुत सोचना, थोड़े में कह दिया मैंने। आनंद तो तब आएगा जब सब लोग कुर्ता पजामा धोती दुपट्टा में दिखाई देवे, और सब अपनी गुजराती ड्रेस में दिखाई दे। बहने अच्छी बढ़िया ड्रेस है गुजरात की, लेकिन अब वे ड्रेस तो जाने कहां चली गई। अभी तो एक और बात कह दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो लगेगा, ये बात तो पक्की है। कहो तो कह दूं, नहीं तो चलो अपन घर कह दूं। पिछली बार एक भाई आया, उसके साथ एक लेडीज आई, बहन आई, तो मैंने पूछा ये आपकी बहन बिडो हो गई क्या? तो बोले नहीं मेरी पत्नी है। मैं तेरी पत्नी? तो फिर मैं कुछ नहीं बोला, कि बोलने की जरूरत ही नहीं बची फिर तो। मैंने ये ही नहीं समझ में आता कि आजकल की महिलाओं में बिडो का और विधवा सुहागन का लक्षण कौन सा है। टिकी नहीं, सिंदूर नहीं, बंगड़ी नहीं, पांव में बिछुड़ी नहीं। अब ये नहीं समझ आता बिडो में और उसमें डिफरेंस क्या। मैं बहुत मैंने आप कल्चर का महत्व क्यों नहीं समझते है? पर अब ये गलत फहमी मुझे हो गई। मैंने उसकी पत्नी के सामने पूछा कि ये आपकी सिस्टर कब बिडो हुई? तो वो कह रही सिस्टर नहीं है पंडित जी, मारी वाइफ है। अब हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। बॉम्बे में ये दिखाई देता है, बाकी तो अभी थोड़ा थोड़ा और गुजरात में घुस गया उधर सब जगह, लेकिन अच्छा नहीं लगता। आप मैं क्या बताऊं, बीबीसी पर काम करने वाली भारतीय महिला, उसने इंडियन ड्रेस पहनी साड़ी, और इतना सोवर माना गया, उसको प्राइज मिला वहां पर। मैंने भारतीय कल्चर की ड्रेस, उसकी अपनी कीमत है। ईसाइयों ने अपनी शादी की ड्रेस नहीं बदली, मुसलमानों ने अपनी नमाज की ड्रेस नहीं बदली। ईद के दिन देखो एकता, अब उनकी टोपी नहीं गई उनकी, सब लगा लेना जो जो। अब आज भी तुम्हारे हीरो हीरोइन भी यदि नौ दुर्गा का वो करते ना व्रत, तो चप्पल नहीं पहनते, सेविंग नहीं बनाते 9 दिन। हीरो तुम्हारे हीरो खिलाड़ी लोग वो सब, माने एक जैनी बचे जो सबसे प्रभावित हो जाते हैं क्या? थोड़े में बहुत कह रहा हूं भैया, लेकिन आप इस कल्चर का महत्व समझा। हो सके तो आने वाले दिनों में यदि ऐसा देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको तो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन हो सके तो मीटिंग कर लो भैया, अच्छी ड्रेस पहना, अच्छा लगो। नहीं तो फिर मैं जाते जाते कहूंगा भैया अगली बार बुलाना हो तो फिर। ओम नमः सिद्धि।